नाभा ब्लॉक दे पिंड बोड़ा खुर्द विखे गरीब परिवार दा आशियाना ढह ढेरी हो चुकिया। तड़कसार हुए इस हादसे दे विच दो घर दे जीआं दी मौत हो चुकी है। मृतक महिला गर्भवती सी अते जेड़े बच्चे ने अजे दुनिया दे विच आउणा सी ओह पहले ही अपनी मां दे गर्भ दे विच खत्म हो चुके। पीड़ित परिवार दा फिलहाल रो रो के बुरा हाल है। देखो जी, मैं 4 बजे प्यादगा जी, जब मैनू गुड़ी नींद आ गई, इनू मैं पहला ठाया थी भी चलो उठ खड़ा भी टाइम हो गया, ये दोबारा सौ गई, दोबारा सौ रही, मैं भी सौ गया जी। ये 5 बजे जी, 4:45 बजे जद ही उपर सत कर गई, सत करना जी मैं भी दबा गया जी। मेरे तो हजे सह चल रहे थे जी, मेरी घाली की एक बार बाज निकली, मुड़के निकली नहीं, वो दबी गई मिठी। इस मौके ते पिंड दे सरपंच ते पिंड वासियां दा कहना है कि यह परिवार बहुत ही गरीब परिवार है। सरपंच दा कहना है कि असीं कई बार कच्चे घरां दे लई अर्जियां तक पा चुके हैं, पर साडे पिंड दे विच कोई भी कच्चा घर हुण तक पक्का नहीं होया। घर के गरीब परिवार के हालात माड़े थे जी, चिर तो रह रहे थे, है परदेसी बंदे थे, चिर तो रह रहे थे, उरी बोट सारा कुछ उरी है जी, घर बार ये चलो फिर पहले तो कला थी जी, फिर बच्चे हो गए, बच्चा बह गया जी, फिर चलो कमरे अलग अलग चाहिए ने, बेचारे गरीब परिवार रसोई थी जी कच्ची, इस कारण उस ती टूट गया जी, नीचे आ गई बेचारी अचानक जी, मौत हो गई जी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी घटना से दुख जाहिर किया। सवेरे 5 बजे छत डिगे इन्हों की, छत मिट्टी बहुत ही, छत से पुराने कड़ियाँ सी, पुराने सतीर सी, वह सौंक के खादे पे तो टुट के डिग पी, बेचारी दी मौत हो गई, 22 साल उम्र है बेचारी दी। अस्पताल के वालों 5000 का यदि मदद करेंगे, होर कोई करे ना करे, मैं आपके वालों खुद अपने वालों की 5000 रुपये मदद करूँगा, क्यों उन्हें संस्कार भी करने, इन्हें बेचारे ने भोग भी पाने, इन्हें सारे काम करने ने, बाकी असं बयान लिख रहे हैं, जो भी वीर कहूगा कर भी मैं। फिलहाल इतने वड्डा सवाल यह है कि सरकार के वलों तो पैसा भेजा जा रहा है, पर अफसरशाही क्यों नलायकी करती हुई नजर आ रही है। वेखना बाकी है कि आने वाले समय के विच कि प्रशासन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी या फिर नहीं। नाभा तो भुपिंदर सिंह की रिपोर्ट, वर्ल्ड पंजाबी टीवी।